कहते हैं जन्नत इस जिंदगी के बाद मिलती है, गलत कहते हैं। ऊपर वाले ने इस जहां में जन्नत बनाया है, जरूरत है तो बस उसे महसूस करने की। आज मैं आप लोगों को ऐसी ही एक प्रकृति की खूबसूरत जगह की सैर पर ले चलता हूं, जो कि हमारे उड़ीसा में है। ये जगह वैसे तो एक डैम है, पर मुझे ये डैम से कहीं ज़्यादा लगता है। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे टापू हैं और हर एक जगह का अपना एक अलग नज़ारा है। मैं कभी भी आता हूँ इस जगह में, मुझे हमेशा ये जगह नई सी लगती है। और ये जगह है सरफगंज। तो इस वीकेंड हम आए हैं यहाँ पे अपना छुट्टी बिताने। घर से ही हमने खाना बनाकर ले आया था ताकि हम यहाँ पे इस ब्यूटीफुल जगह को एंजॉय कर सके, ना कि खाने वाने बनाने में यहाँ कोई टाइम वेस्ट हो। तो खा पी के हमने अपना यहाँ अच्छा लंच आवर बिताया। और दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ऐसे जगहों पर जाते हैं तो पेपर प्लेट या डिस्पोजल बोतल इसको सही से डिस्पोज करें, ना कि इधर उधर गंदगी फैलाएं। और अब हमारा खाना हो गया है कंप्लीट, तो खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करना है। तो रेस्ट करने के लिए हम अपने टेंट को करेंगे इंस्टॉल फटाफट। और अब दोस्तों, पानी के किनारे मैं आया हूँ, तो बिना पानी के अंदर जाए बिना तो मैं मानूंगा नहीं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यार स्विमिंग ज़रूर सीखें। अगर आपने लाइफ में स्विमिंग नहीं सीखा तो यार लाइफ का एक बहुत हसीन पार्ट मिस कर दिया है। और वैसे भी स्विमिंग कभी ना कभी आपका इमरजेंसी में भी काम आएगा, आई गेस। तो ये हो गया नहाना कंप्लीट, तो थोड़ा सा फ़ोटोशूट, थोड़े से पैतरे, थोड़े से स्वैग, और मैं अपने बालों को झटकाते हुए। तो ये था दोस्तों सरफगढ़ का एक छोटा सा इंट्रो। ये जगह इससे भी काफ़ी खूबसूरत है जितना मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे स्पीड बोटिंग की भी सुविधा है, यहाँ आप कैंपिंग भी कर सकते हैं नाइट स्टे के साथ। अगर आपको यहाँ कैंपिंग करना है तो आप इको टूरिज़म उड़ीसा की साइट पर जाएं, वहाँ पे आपको सरफगढ़ का एक लिंक रहेगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको नाइट स्टे का पर हेड कितना पड़ेगा। तो दोस्तों, थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।